हाय चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? मजे में हो ना? हाँ, ओके। आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश। क्या सीखने वाले हैं? इंग्लिश। और इंग्लिश में हम क्या सीख रहे थे, याद है आप सबको? क्या सीख रहे थे? कर्सिव स्मॉल लेटर्स। कर्सिव में स्मॉल लेटर सीख रहे हैं, है ना? तो आज हम सीखने वाले हैं क्यू एंड आर, क्योंकि हमने पी तक सीख लिया है। पी तक सीख लिया है ना? लास्ट वीडियो में हमने पी तक सीखा था, तो आज हम क्यू एंड आर लेटर्स सीखने वाले हैं। कैसे लिखते हैं वो भी देखेंगे, और क्यू एंड आर से कौन कौन से वर्ड होते हैं वो भी हम सीखते हैं। पिक्चर देखेंगे और भी सीखेंगे। ओके, तो चलो पहले क्यू लिखते हैं कि क्यू कैसे लिखा जाता है। उससे पहले ये जो ड्रॉ किया है वो पता है क्या है? आपने देखा होगा कभी कभी पिजन जो होता है ना, पिजन हमारे घर पे आता है, और फिर उसका वो पंख होता है, वो पंख कभी कभी हमारे घर में रख मतलब होता है हमारे घर में उसका पंख। तो ये पंख है, ये पंख है। जो भी बर्ड होता है उसका जो पंख होता है उसको क्यू फॉर क्विल बोलते हैं। क्यू फॉर क्विल, क्यू फॉर क्विल। समझ में आया? जो पंख होता है उसको क्या बोलते हैं? क्यू फॉर क्विल। तो आपको याद रखना है क्यू फॉर क्विल। चलो अब हम लिखते हैं कि क्यू फॉर क्विल कैसे लिखा जाता है और कौन सी लाइन में लिखा जाए। तो आपको जो ये पहली ब्लू कलर की लाइन है वहां से नीचे की पिंक लाइन में जाना, ऊपर वाली पिंक लाइन में जाना नहीं है। जो फर्स्ट नंबर की ब्लू कलर की लाइन है वहां से नीचे की जो पिंक लाइन है वहां तक हमें जाना है। समझ में आया? ओके, तो पहले क्या करेंगे हम, इस तरह से स्लैंडिंग लाइन बनेंगे। स्लैंडिंग लाइन पता है ना, ए में आती है, सी में आती है, बी में भी आती, सब में आती है। तो इस तरह से फिर क्या करेंगे, ये स्लैंडिंग लाइन बना दी, फिर क्या करेंगे, इस तरह से सी बनाएंगे, और सी बनाने के बाद क्या करेंगे, फिर से ऊपर जाएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे इस तरह से। समझ में आया? ये जो सी बना के ऊपर स्टैंडिंग लाइन ले जाएंगे, फिर वही स्टैंडिंग लाइन नीचे आके इस तरह से टर्न करना है। समझ में आया? कैसे करेंगे, पहले क्या बनाएंगे, इस तरह से स्लैंडिंग लाइन, स्लैंडिंग लाइन के बाद क्या करेंगे, सी बनाएंगे। सी बन गया। सी बनाने के बाद हम जिस तरह से ए बनाते हैं वैसे ए बनाना है, पर ए को हम यहां तक ले जाते हैं, तो वहां तक नहीं, पर नीचे की लाइन में ले जाना है और इस तरह से मोड़ जाना। ए बन गया क्यू फॉर क्विल, क्यू फॉर क्विल। फिर से क्या करेंगे, इस तरह से स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन से वापस सी बनाएंगे। सी बनाने के बाद इस तरह से ए बनाना है, और ए बनाने के बाद ए वाली जो स्टैंडिंग लाइन है वो नीचे लानी है और मोड़ देना इस तरह से। तो बन गया क्यू फॉर क्विल, क्यू फॉर क्विल। फिर से इस तरह से स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन से सी बनाएंगे। सी बनाने के बाद ए, ए बनाने के बाद नीचे स्टैंडिंग लाइन ले जाना ए इस तरह से। तो ये बन गया क्यू फॉर क्विल, क्यू फॉर क्विल। आपकी वर्कबुक में यहाँ पे इस तरह से क्यू फॉर क्विल्ट दिया गया। क्या है ये? क्विल्ट, एक क्विल और एक क्विल्ट। तो क्विल्ट यानी रजाई,
अभी हम ठंड लगती है तो रजाई ओढ़ते हैं ना, तो ये क्विल्ट है। क्या है? क्यू फॉर क्विल्ट, और ये क्यू फॉर क्विल। समझ में आया? ओके। और इसके अलावा क्यू फॉर क्या होता है? क्यू फॉर क्वीन। क्यू फॉर क्वीन भी होती है, क्यू फॉर क्वीन। समझ में आया? रानी, क्वीन यानी रानी, तो क्यू फॉर क्वीन, क्यू फॉर क्विल्ट और क्यू फॉर क्विल। समझ में आ गया आप सबको? ओके। हम फिर से लिखते हैं क्यू। कौन सी लाइन में लिखेंगे? ये दो ब्लू कलर की लाइन और फिर नीचे की पिंक लाइन का यूज करेंगे। तो पहले क्या करेंगे? सी बनाएंगे इस तरह से, फिर ए बनाएंगे, ए जैसे बनाते हैं उसमें यहाँ तक और नीचे स्टैंडिंग लाइन ले जानी है और फिर यहाँ से मोड़ना है। तो क्यू फॉर क्विल, फिर क्यू फॉर क्वीन विल। समझ में आ गया? कैसे करेंगे? जो ब्लू कलर की दो लाइन है वहां से स्लैंटिंग लाइन करेंगे, सी बनाएंगे, ए बनाएंगे और नीचे की तरफ पिंक लाइन करनी है। समझ में आ गया? चलो कौन बताएगा मुझे कौन सी लाइन में करना है? हमें क्यू कौन सी लाइन में करेंगे पहले? हाँ, पिंक, अब ब्लू कलर की लाइन से नीचे वाली पिंक लाइन पहले क्या करेंगे मुझे बताओ। चलो पहले क्या करेंगे? इस तरह से स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन से क्या बनाएंगे? सी, ए बन गया इस तरह से, और फिर नीचे की तरफ स्टैंडिंग लाइन और इस तरह से मोड़ दी। तो क्यू फॉर क्विल। फिर से क्या करेंगे? स्लैंटिंग लाइन करेंगे, स्लैंटिंग लाइन से सी बनाएंगे, सी से ए और नीचे की तरफ स्टैंडिंग लाइन मोड़ दिया। क्यू फॉर क्विल और स्लैंटिंग लाइन सी, फिर ए और स्टैंडिंग लाइन नीचे की तरफ, और इस तरह से टर्न करना है थोड़ा मोड़ के। तो ये बन गया क्यू फॉर क्विल्ट। तो समझ में आ गया क्या करना है आपको? वेरी गुड। अब क्या करेंगे? आर सीखेंगे। क्या सीखेंगे? आर। तो आर फॉर क्या होता है? रोज। आर फॉर रोज, आर फॉर रोज। तो चलो हम लिखते हैं आर। अब आर को क्या करना है, कौन सी लाइन में लिखना है? सिर्फ जो दो ब्लू कलर की लाइन है उसमें ही लिखना है, आगे पीछे वाली लाइन में जाना चाहिए ना। तो क्या करेंगे पहले? इस तरह से स्लैंटिंग लाइन कर देंगे, फिर स्लैंटिंग लाइन करके इस तरह से करेंगे थोड़ा। क्या करेंगे? स्लैंटिंग लाइन से फिर इस तरह से जीरो बना के ऐसे करना है, फिर क्या करेंगे? स्लैंटिंग लाइन जीरो करके इस तरह से मोड़ना है, और फिर जहां हमने यहां तक किया फिर वापस छोटा सा सी बनाना है। क्या बनाएंगे? छोटा सी। समझ में आया? कैसे करेंगे? ये वाली स्लैंटिंग लाइन से ये जीरो बना के इस तरह से मोड़ देना है, जीरो बना के इस तरह से, और फिर नीचे की तरफ सी बनाएंगे इस तरह से। तो ये बन गए आर फॉर रोज। क्या करेंगे? स्लैंटिंग लाइन फिर जीरो बना के मोड़ना है इस तरह से, और
चार फॉर क्या दिया है, क्या दिया है, रेबिट, क्या दिया है, रेबिट, आर फॉर रेबिट, है ना, आर फॉर रेबिट। और दूसरा क्या होता है आर से, यहाँ भी एक बर्ड दिया गया है, रोबिन, आर फॉर रोबिन, आर फॉर रोबिन नाम का एक बर्ड होता है, तो वो भी होता है आर फॉर रेबिट। और आर फॉर रेट भी होता है, आर फॉर रेट भी होता है, तो आर फॉर रेट, आर फॉर रोज, आर फॉर रेबिट और आर फॉर रेबिट रोबिन। चलो कौन सी लाइन में से लिखना है हमें, दो ब्लू कलर की लाइन में, वेरी गुड। तो क्या करेंगे, पहले स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन से क्या बनाएंगे, इस तरह से जीरो जीरो बना के थोड़ा आगे जाना, आगे की तरफ लाइन करनी है और फिर क्या बनाएंगे, सिर सी, ये बन गया आर फॉर रोज। फिर इस तरह से आर फॉर रेबिट, और क्या करेंगे, इस तरह से स्लैंटिंग लाइन, फिर जीरो, इस तरह से थोड़ा आगे जाएंगे और फिर सी, आर फॉर रेड। चलो बताओ कौन सी लाइन में क्या करना है मुझे, क्या करेंगे लिखने के लिए, हाँ दो ब्लू कलर की लाइन का एक, फिर क्या करेंगे, स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे, स्लैंटिंग लाइन बनाने के बाद क्या करेंगे, जीरो करके थोड़ा मोड़ना है आगे की तरफ और फिर छोटा सा सी बनाएंगे। तो क्या करेंगे, पहले चलो स्लैंटिंग लाइन बना दी, स्लैंटिंग लाइन बनाने के बाद जीरो बना के थोड़ा इस तरफ आगे जाना है और फिर जहां पे हमने लाइन खत्म की वहां से नीचे की तरफ सी बनाना है, ये बन गया आर फॉर रोज। फिर से क्या करेंगे, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन से इस तरह से जीरो बना के थोड़ी लाइन आगे ले जानी और जहां पे लाइन खत्म होती वहां से नीचे की तरफ सी बनाना, यानी कौ भी कर सकते आप, स्लैंटिंग लाइन जीरो, जीरो से थोड़ा आगे ले जानी लाइन और छोटा सा सी, तो ये बन गया आर फॉर रोज, आर फॉर रेबिट, आर फॉर रेट। समझ में आ गया सबको, हाँ। तो इस तरह से आप क्या करोगे, अपनी वर्कबुक और नोटबुक में दोनों में इस तरह से क्यू और आर लिखना है, न आए तो मम्मी या पापा की हेल्प लेनी है। और नोटबुक में क्या करेंगे, इस तरह से मम्मी को बोलना ड्रॉ करके दे और फिर आपको क्यू एंड आर लिखना है, जिससे आपको समझ में आए कि क्यू से कौन कौन से वर्ड होते हैं और आर से भी कौन कौन से वर्ड होते हैं, बोलते जाना है और लिखते जाना है। क्या बोलेंगे, क्यू फॉर क्विल, क्यू फॉर क्विल्ट और क्यू फॉर क्वीन, आर फॉर रोज, आर फॉर रेड, आर फॉर रेबिट, जिससे आपको समझ में आए कि आर से इतने सारे वर्ड होते हैं और क्यू से भी इतने वर्ड होते हैं। ओके, सो टिल देन, बाय, टेक केयर।